सुनाता मठ के महंत जी, गजीपुरा मठ के महंत जी, रेवदूर मठ के महाराज जी, बड़गांव मठ के महंत जी, पूर मठ के महंत जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सांसद देव जी और महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज पुरोहित, विधायक पुराराम जी, वरिष्ठ नेता मदनलाल जी सैनी और विधायक गजेंद्र जी सिंह, महामंत्री पार्टी के रामचरण जी गौरा, पूर्व सांसद निहाल जी मेघवाल, पूर्व विधायक जीतराम जी चौधरी और भागीरथ जी चौधरी और जयपुर शहर के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नारायण जी पंचारिया और अपने इस क्षेत्र के जिला अध्यक्ष नारायण जी देवल और मेरी इस तरफ बैठी हुई इतनी भारी संख्या में सब माता बहने, आपको ऊर्जा की स्रोत है मेरी माता बहने, आपको यहाँ देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है और साथ में सब पूरे क्षेत्र के इधर से उधर से सब गांव से आए हुए और शहर के मेरे भीमाल के मेरे भाई, मेरे बुजुर्गण और सिटी के महानुभाव, उन लोगों को सबको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ के आज यहाँ आके हम लोग सबका साथ दिया, हमारे हौसला अफजाई की, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी। महाराज जी आप सब यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, मुझे अब ये साथियों मेरा चरण चालू है, ये सात चरण में मैंने पूरे राजस्थान को घूम लिया, अब बस पाली और सिरोही और जोधपुर इलाका बचता है और एक अलवर, ये चार और अलवर इसलिए बचता है कि पिछले बार आप लोग सब जानते हो कि उत्तराखंड के अंदर क्या हुआ था, उस उत्तराखंड की त्रासदी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अलवर का प्रोग्राम कैंसिल करके उसको फिर बाद में रखने की बात करी थी। मैं अब 11-12 हजार किलोमीटर हो गए हैं चलते चलते और गर्मी में बरसात में सब दूर घूमते घूमते वापस तक पहुंची। मैं आंख बंद करके बापजी महाराज ये कहना चाहूंगी आपको कि अगर मैं आंख बंद करके कोई मेरे से पूछे आप कहाँ हो तो यहाँ के जो संकट है वहां के जो संकट में कोई फर्क ही नहीं है। आप उदयपुर में बैठ सकते हो, आप भीमल में बैठ सकते हो, आप बाड़मेर में बैठ सकते हो, आप जयपुर में बैठ सकते हो, तो समस्याएं सब एक ही होंगी, सब एक ही होंगी, सब शुरुआत होते हैं वहीं से, पानी 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 पानी, हम लोग को पानी मिल जाएगा तो हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। गांव गांव में आज रास्ते से जहां से मैं निकल के आ रही हूँ सब लोगों ने लगातार बार बार मुझे यही कहा कि आप पानी ले आओगे हमारे लिए तो हमारा सब कुछ काम हो जाएगा, क्योंकि आज भी हमको फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है। और मैंने यहाँ पता किया तो भीमाल में भी पेयजल की जोरदार समस्या है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की सप्लाई हो रही है, क्या ये सही है? एक दिन छोड़ के एक दिन मैंने 48 घंटे में एक दफा, और यहाँ तो मेरे को कह रहे हैं कि 4 दिन बाद माता देने, 4 दिन बाद पानी आ रहा है आप लोगों के घरों में और वो भी आधा आधा घंटे के लिए। ऐसा भी हो कि आए और 3-4 घंटे आए तो आदमी अपना पानी से भर सके, परंतु आधा आधा घंटे में आके पानी चला जाता है, आज ये स्थिति है। और क्योंकि लाइनें सब पुरानी हैं, सड़ी गली हैं, गंदी हैं, इसलिए वो गंदा पानी आप लोग तक पहुंचता है। और शहर में तो कहीं कहीं ऐसे भी इलाके हैं जहां 10-10 दिन तक पानी नहीं आता है, ऐसा भी है? 10-10 दिन तक नहीं आता, ऐसा है? नहीं आता है, क्या है, कैसे जीते हो आप लोग, कहां से जीते हो, कैसे जीते हो, मैं तो हैरान हूं देख के। और ये खाली यहाँ की बात नहीं है बाप जी, ये तो पूरे आप ये समझिए पूरे प्रदेश की मुसीबत है। और मैं जब पता किया तो भीमवाल वालों ने कहा कि नर्मदा पानी अगर आ जाए तो मैं आप लोग सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि नर्मदा की योजना भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार ने बनाई थी। आपको याद है कितने दिन से ये नर्मदा की बात चलती आ रही है, परंतु किसी ने नर्मदा की बात गुजरात से की नहीं। गुजरात वालों ने कहा कि आप हमसे बात करिए, इतना पैसा हमको देना है, हमने पैसा दिया, 4 साल लगे परंतु पानी लेके हम लोग अपने क्षेत्र के अंदर आए। और आने के बाद मैंने पूरा तंत्र बिठाया, पानी की पाइपलाइन को बिछाने का काम किया और कई जगह के ऊपर पानी आराम से इन 4 साल के अंदर पहुंच जाता अगर ये सरकार थोड़ी सी मेहनत करती। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पानी भी आ गया,
आपकी पाइपलाइन भी बिच गई, आपके पैसे भी मैंने दे दिए, अब खाली उसको बिछाने की जरूरत थी और गांव गांव तक और शहरों तक उसको पहुंचाने की जरूरत थी। वो पहुंचाया नहीं, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, वही के वही छोड़ दिया। और आज इसलिए जहां जहां से मैं निकली हूँ वहां बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आके मेरे को ये कहा, आप वादा करो, आप वादा करके जाओ। मैंने कहा मेरे से ही क्यों होता है ये बात जी, पिछले बार में मुझे मैं निकली थी तो मैं तो सरकार में कुछ नहीं हूँ, फिर भी लोगों ने इतना विश्वास जताया, इतना प्यार जताया। मैं जब पूछती हूँ कि भैया क्यों मेरे से क्यों कर रहे हो, ऐसा वो तो सुनते ही नहीं है, हम किसके पास जाएं, आप तो निकल रहे हो तो इसलिए आपके सामने हमको कहना पड़ रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि हमारी मुसीबत है, हमारे पानी का इंतजाम कर दो, और अगर थोड़ा सा ज्यादा पानी भी हो जाता है तो हमारे किसानों का फायदा हो जाए, ये भी जोड़ देते हैं उसके अंदर कि थोड़ा सा अगर ज्यादा पानी बचा दो तो हमको उसका भी फायदा हो जाए। अभी अभी मैं ये पता कर रही थी 450 करोड़ की योजना थी स्वीकृत, उसके अनुरूप नर्मदा का पानी सांचों से बागोड़ा सायला होते हुए बिशनगढ़ 2009 तक पहुंच जाना चाहिए था। हमारी भाजपा सरकार ने सब पूरे काम कर लिए थे, पर अभी इतना काम सब निकल गया, आधे पाइपलाइन अंदर रह गए, आधे पाइपलाइन बाहर पड़े हुए हैं, ये इतना काम नहीं कर सके, नहीं तो यहाँ के भी जो गांव थे उन गांव को भी फायदा हो जाता। अब कहीं कहीं लोग मेरे पास आके ये कहते हैं कि पानी पानी की अकेली मुसीबत नहीं है, पानी के साथ भी हमारी बिजली की मुसीबत है। यहाँ बताओ किसान भाई, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, मेरे को बताओ आपको 8 घंटे बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है, 3 घंटे मुश्किल से, वो भी ट्रिपिंग के साथ, और जो आपका ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता है वो ट्रांसफार्मर रिश्वत के बिना 2-2 महीने तक नहीं मिलता है, सब लोग मेरे को ये कह रहे हैं। और जहाँ बेचारे ढाणियों के अंदर किसान बसे हुए हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोगों को अपना कनेक्शन दे दीजिए, हमने डिमांड नोट भर दिया, हमने पैसे भर दिए, हमने सब कुछ कर दिया पर हमको नहीं मिल रहा है। वो साल मुझे लगता है 1 साल 2 साल से रुके हुए हैं, उन लोगों को नहीं मिला है और अभी तक नहीं मिला है। मैं सब लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मैंने एक अलग से लाइन घरों के लिए घरेलू बिजली के नाम से आपको दिया था, माता देने आप लोग सब जानती हो, और मैं जाते जाते 18 घंटे 20 घंटे आप लोगों को देके गई घरेलू बिजली। मैं आप लोगों को ये समझ के गई थी कि हमारी सरकार वापस आएगी, उसके पहले तो आप लोगों को 24 घंटे बिजली मिल जाना चाहिए था, परंतु इस सरकार ने 4.5 साल तक क्यों नहीं, कुछ नहीं किया। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर आप लोगों को 24 घंटे बिजली देखे मैं छोड़ूंगी, आपके घर में बिजली मिलेगी। ये तो खाली इच्छा शक्ति की बात है भाइयों, सिर्फ इच्छा शक्ति की बात है। अगर करना चाहती थी तो कोई भी सरकार इसको करती थी, क्योंकि सरकार के पास पैसा है, अगर इच्छा शक्ति है तो आपके घरों के अंदर वो बिजली पहुंचा सकते थे। मैं तो करते करते छूट गया मेरे हाथ से, नहीं तो ये 4 साल पहले आप तक पहुंच जाता। अब 20 घंटे आपको देने के बाद आज ये स्थिति हो गई है कि उसमें भी ट्रिपिंग है, उसमें ट्रिपिंग है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां भी हैं उन्होंने काम जनता का किया है कि नहीं किया है। उधर आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी, आप रोज जाते रहते हो गुजरात में, मेरे को टीम सुनाते हो, अरे साहब गुजरात में ऐसे अस्पताल हैं, अरे साहब ऐसे रोड हैं, ये हमारे लोग राजस्थान के लोग मेरे को बताते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप लोग उसको देख के आए हो, आपने देखा कि 15 साल के अंदर किस तरीके से काया पलट कर दिया वहाँ गुजरात के अंदर। वही आप मध्य प्रदेश में जाके देख लीजिए, शिवराज जी ने 10 साल के अंदर क्या मजा कर दिया मध्य प्रदेश के अंदर। और मैं ये आपको बता दूं कि जब ये पूरे भारत की बिजली फेल हो गई थी तो हमारे छत्तीसगढ़ ने सबकी जान बचाई थी, उनकी बिजली ग्रिड में गई और ग्रिड में पूरे देश की बिजली और पूरे देश के प्राण बचाने का काम छत्तीसगढ़ ने किया। ये भी 10 साल पुरानी अपनी सरकार है, याद रखो। अगर 10 और 15 साल में बाजी महाराज ये सब काम हो सकते हैं तो इस कांग्रेस की सरकार को हम लोगों ने 65 साल में से मेरे 5 साल निकाल लीजिए और भैरव सिंह जी के 7 साल निकाल लीजिए, 53 साल अपन ने दिए हैं इस सरकार को। मैं कह रही हूँ कि अगर हम नरेंद्र मोदी को 53 साल मिल जाते और अगर शिवराज जी को 53 साल मिल जाते और मैं समझती कि मुझे 53 साल मिल जाते तो चमन हो जाता राजस्थान, आपको इस तरीके से गड्ढे में बैठने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने जनता का काम किया है। भले ही लोगों ने खड़े होके ये उंगली उठा के हमारी तरफ कलंकित हमको करने की कोशिश की है कि इन लोगों ने सबने भ्रष्टाचार किया है। मुझे याद है कि पिछले इलेक्शन के अंदर
22,000 करोड़, मुझे तो यही नहीं मालूम कि 22,000 कितने होते हैं, आपको मालूम है कितने शून्य होते हैं इसके पीछे, मुझे नहीं मालूम। 22,000 करोड़ खा गए। अरे मैंने कहा तुम कर लो जितना करना है, आपने पूरी फाइलें खंगाल ली, आपने एक आयोग बिठा लिया, आज 4.5 साल हो गए एक उंगली आप उठा नहीं सके। मैं समझती हूँ कि आप लोग सबकी दया से मैं शायद एक ऐसी व्यक्ति हूँ जिसकी पूरी जांच करा ली, सब कुछ करा लिया और वो कुछ उंगली नहीं लगा पाए, और आपकी ये चुनरी क्या पूरा पूरा मैंने ध्यान रखा है, आपने चुनरी पहनाई ये कहते कि मेरी इज्जत रखना, और आज दिन तक आपकी इज्जत रखी है, उसमें कमी आने का मैंने मौका नहीं दिया है, और मैं ये विश्वास आपको दिलाना चाहती हूँ कि आगे भी मौका नहीं मिलेगा इन लोगों को। इन्हें कितनी भ्रष्टाचार क्या नहीं किया है, भ्रष्टाचार की सीमा अगर किसी ने तोड़ी है तो इस सरकार ने तोड़ी है। आपसे लगा इलाका है बाड़मेर, आप बाड़मेर के अंदर क्या हो रहा है किसी को मालूम, ऐसा है कि कोई इससे छिपा नहीं है, हजारों बीघा जमीन के ऊपर खिलवाड़ हो रहा है और सस्ती खरीदी जा रही है, कहीं पेट्रोलियम का नाम लिया जा रहा है, कहीं रिफाइनरी का नाम लिया जा रहा है, और कभी इधर लगेगा तो कभी उधर लगेगा, पूरी बाड़मेर की जमीन में खरीद फोरत करके भूमाफिया ने अपना अड्डा जमा लिया। और उसके पहले रॉबर्ट वाड्रा, आप नाम सुना है, सब लोग जानते हैं कि ये है देश का दामाद कहलाया जाता है, रॉबर्ट वाड्रा आए थे, रॉबर्ट वाड्रा आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बाप फलोदी इस सब इलाके के अंदर जमीन हजारों बीघा खरीद के गए, सस्ता खरीदा महंगा बेचा और पूरा का पूरा सामान आपके फॉरेन बैंक के अंदर छोड़ के रख दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है कि गरीब आदमी, जो हमारा गरीब किसान है, वो कहता है कि हमारी बड़ी बड़ी ओरन, उन ओरन के अंदर हम अपने जानवर को चराते थे, अब हम चला नहीं सकते क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री ने उसको बंद कर दिया है, हमारा जानवर उसके अंदर घुस नहीं सकता। और जब हमारा किसान कहता है कि हमारे पास जमीन नहीं है, एक या दो बीघा जमीन हमको अलॉट करा दीजिए, तो सरकार कहती है तुम्हारे लिए पैसा नहीं है, ये सब पैसा जाएगा तो बड़ी कंपनियों को जाएगा, ये सब पूरा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर पूरे बड़ी कंपनी को आहुति दे दिए, उनके ऊपर आहुति दे दिए। और मुख्यमंत्री कहता है कि रॉबर्ट वाड्रा कौन है, हम तो जानते नहीं है, आया था उसने यहाँ कुछ किया। और मैं कहती हूँ कि मुख्यमंत्री की हिम्मत कैसे होती है, सोनिया गांधी का दामाद और उसको नहीं मालूम कि यहाँ आए, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोनिया गांधी का दामाद यहाँ आए और मुख्यमंत्री बिछा के ना उसके लिए काम करे, ये विश्वास में लेने को तैयार ही नहीं हूँ। और जो व्यक्ति रोज अखबार पढ़ता है वो कहता है मेरे को मालूम नहीं, मैंने अखबार पढ़ा नहीं, मुझे कोई खबर नहीं। अरे कितना खाओगे, कितना खाओगे, मैं तो कहती हूँ कि परिवार पीढ़ियों तक उनके पास पैसा आ गया, अपनी बच्चियों की शादियां करवा दी, घर बना लिए, फैक्ट्री लगा ली, सब कुछ कर लिया, होटल बना लिए बड़े बड़े यहाँ भी विदेश में भी, और हमारी जनता की क्या हालत है वो देख लीजिए, उधर गुजरात की देख लीजिए, उधर मध्य प्रदेश की देख लीजिए, और सोचो 53 साल के अंदर हम लोगों का क्या काम किया है, किन लोगों ने काम नहीं किया है, ऐसे लोगों के ऊपर कुर्सी पर बैठने का हक है क्या, उनको बैठने को तो क्या, उनको तुरंत उठाने के उतारने के अपने को काम करना चाहिए। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, सब लोग जानते हैं कि हमारी माता बहनें हमारे घर की इज्जत है, हमारी महिला की इज्जत अगर हम नहीं रख सकते तो हमें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज राजस्थान का मुखिया हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार ढा रहा है, सब जानते क्या हो रहा है, हमारी बच्चियां स्कूल जाती है तो हमें डर लगता है कि लोग वापस आएंगे कि नहीं, ये सब सब कामयाब होने के बाद भी हमारी महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारा स्वाभिमान मिट्टी में मिलाया जा रहा है। क्या ऐसे व्यक्ति को जो हमारी महिला की इज्जत को आराम से रख नहीं सकता, क्या ऐसे व्यक्ति को उस कुर्सी पे बैठने का हक है? युवा भाइयों, आप लोग सब यहाँ बैठे हो, मैं आप लोग सबसे ये पता करना चाहती हूँ, किसी को नौकरी मिली पिछले 4.5 साल के अंदर, किसी को मिली? और नहीं मिली, ये अखबार में मालूम पड़ रहा है, आप देखिए 2000 पटवारी की नौकरी के लिए 12 लाख लोगों ने आवेदन किया, 7.5 लाख लोगों ने पर्चे भरे, 250 लोगों के एलडीसी के पोस्ट के लिए 3 लाख लोगों ने अपने आवेदन भरे। अरे मैं पूछना चाहती हूँ कि हर साल अगर नौकरियां मिल रही होती बच्चों को तो क्या ये स्थिति देखने को मिलती? आज स्कूल के अंदर चले जाइए तो टीचर नहीं है, आपके ये यहाँ मैं स्कूल के अंदर देख रही थी तो ये सब लोगों का कहना है कि व्याख्याताओं के पद
लंबे समय से खाली है, लंबे समय से खाली है, टीचर नहीं है, और जहाँ टीचर है वह बच्चे नहीं, जहाँ बच्चे हैं वह टीचर नहीं, ताले लग रहे हैं टीचर बने आपकी बिल्डिंगों के ऊपर, ये स्थिति हो रही है। और हमारे बच्चों को टेट के अंदर फंसाने का चक्कर चला हुआ है कि टेट का परीक्षा करना पड़ेगा, उस टेट का प्रबंधन हम लोग करेंगे। और आरपीएससी के अंदर जिस तरीके से पहले हम अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने का काम करा करते थे, आगे भी उनको उसी तरीके की नौकरी मिलेगी, क्योंकि हमारे बच्चों को हम पलायन कराना नहीं चाहते। आज मैं देख रही हूँ कि हमारे बच्चे गुजरात जाते हैं, हमारा व्यवसाय गुजरात जाता है, अरे हमारी जीरा मंडी, हमारे वो इसबगोल की मंडी सब चली गई ऊंझा। मैं खुद ऊंझा जाके आई और मेरे को इतना दुख हुआ कि ये सब ऊंझा में जा रहा है, ये सब हमारी आराम से लग सकता था। मैं ये सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने देख लिया गुजरात के अंदर जो कंडीशन है, क्या आप नहीं चाहते कि राजस्थान के इस तरीके से ही हो, क्या आप नहीं चाहते कि हमारे बच्चे यहीं पढ़े लिखे और यहीं काम करें, आप सब लोग यही चाहते हो और हम भी यही चाहते हैं। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि हमने ये तय किया है कि आने वाले समय के अंदर हम लोगों को एक नए राजस्थान को बनाने का काम करना है, ऐसा नया राजस्थान जो नया राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे आगे चल के एकदम ऊपर के हाँ ऊपर पहुंच जाए, ऐसा पहुंच जाए जो लोग कहेंगे कि हाँ वो है राजस्थान। आपको याद है कि इतिहास में राजस्थान का नाम लिखा था, राजस्थान को देखने के लिए लोग दूर से आते थे, इस भूमि को छूते थे, अपने माथे पे लगाते थे। आज हम लोग कलंकित हो गए हैं क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ अत्याचार हो राजस्थान के अंदर, एससी और एसटी के साथ अत्याचार हो राजस्थान के अंदर, सबसे पिछड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई के अंदर वो राजस्थान के अंदर, ये सात चीजें जो है उसकी वजह से हम लोग कलंकित हो रहे हैं। इनसे हमको अगर बचना है तो एक नए राजस्थान का निर्माण करना पड़ेगा, और उस नए राजस्थान के निर्माण के अंदर सिर्फ अकेले हम या हमारी पार्टी नहीं, इसमें आप सबको हिस्सेदार बनना पड़ेगा। क्या आप तैयार हो हिस्सेदार बनने का? क्या वो किसान जिनको अभी तक मजबूत नहीं किया है और जिनको मुझे बताया जा रहा है कि जोरदार मुआवजा दिया गया है, मुआवजा मिला किसी किसान को? मुआवजा मिला? पाड़ा पड़ा ओला पड़ा किसी को मुआवजा मिला? किसी को एक रुपए किलो गेहूं के हिसाब से कुछ मिला? नहीं मिला। किसी को मकान के लिए 55,000 के अंदर किसी ने कोठरी बना ली? नहीं हुआ। किसी को 1,50,000 का बिना ब्याज का लोन मिला? नहीं मिला। अब आप अखबार पढ़ लीजिए तो ये सब मिल गया आपको, ये सब चीजें आपको मिल गई हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वहां घोषणाएं की जाती हैं कि ये सब काम हमने कर लिया है, परंतु पेट्रोल 2 रुपए बढ़ा दिए, आपका डीजल अभी 50 पैसे बढ़ाए गए और भी बढ़ाया जाएगा, आपकी महंगाई सब्जी पाले उसके अंदर महंगाई, आपका गैस उसके अंदर महंगाई, आपके मेरे समय के अंदर तो कितना गैस चाहिए था आप ले जाते थे, अब 9 गैस सिलेंडर मिलता है, सिर्फ 9 गैस सिलेंडर मिलता है, वो भी 760 रुपए और नहीं तो ब्लैक में मिलेगा 1200 रुपए के हिसाब से। आपका खाद, आपका बीज, आपका डीएपी, आपका यूरिया किन किन दाम में मिलता है वो आप लोग सब जानते हो, और बाजार में जाते हो तो आप अपना जो बनाया गया जो फसल है वो उस तरीके से आप बेच नहीं पाते हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि किसान को अपने को फिर से पैरों पे खड़ा करना है तो वो नया राजस्थान बनाना पड़ेगा जिसके अंदर वो किसान भी भागीदार होंगे, व्यवसाय भी भागीदार होंगे, और हम सब मिलके सब जातियों को 36 के 36 कौम कोई अलग अलग नहीं होगा, और सब मजहब मिलके जब चलेंगे तब राजस्थान के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा, ये विश्वास मैं आप लोगों को आज दिलाना चाहती हूँ। पर भाइयों अच्छे काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मैं ये कह रही हूँ कि मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, परंतु क्या आप लोग साथ देने को तैयार हो? अब मेरे से कई लोग ये कहते हैं अरे आपने कल तो कही थी कि ये काम कर दोगे और आज तक वो नहीं हुआ है, इतने सारे काम है। आपको याद होगा कि 5 साल के अंदर बिजली का काम पानी का काम इतने सारे काम थे, हम लोगों ने करके उसको एक सिरे तक पहुंचा दिया। मैं मानती थी कि राजस्थान एक ऐसे जगह पे पहुंच गया था कि थोड़ा सा धक्का और दे देते तो वो बीमारू प्रदेश तो खत्म हो गया था और वो अग्रणी प्रदेशों में जुड़ने की तैयारी में था। अब 5 साल में आप लोगों ने सरकार बदल के नई सरकार लाई और नई सरकार ने उसको 10 साल पीछे करके रख दिया राजस्थान को। आज ये स्थिति हो गई राजस्थान, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है राजस्थान के ऊपर, ये इतना बड़ा काम है। मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि इसको हम लोग आसानी से रोक नहीं सकते। महानरेगा का काम आप देख लीजिए 13,000 करोड़ उसके ऊपर खा गए और आप हमारे समय के अंदर
26 लाख लोग ऐसे थे जिनको हमने काम दिया था, आज 1 लाख लोग हैं और 26 लाख लोगों ने बड़ी संपत्तियां बनाई। और आज मैं कहती हूँ कि राजस्थान जो बना वो राजस्थान उनकी वजह से बना, क्योंकि उन्होंने वो विकास किया, उन्होंने परिसंपत्ति बनाई और उनके साथ हम लोगों ने राजस्थान को बीमारू प्रदेश से निकाल के अग्रणी प्रदेश की तरफ बढ़ाने का काम किया। वो सब लोगों का हाथ था। आज मैं कह रही हूँ आप लोग सबका हाथ है और उन सबके अंदर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, चाहे वो बिजनेस का काम हो, चाहे वो किसान का काम हो, चाहे वो पानी लाने का काम हो, नर्मदा का पानी की बात चली है, माइक की बात चली है, मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि इन सब चीजों को देख के जहां जहां उसको हम बढ़ा सकते हैं उसको बढ़ाने का काम, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सब लोगों को, ये पैसा भी आपका है, ये भूमि भी आपकी है, ये सब कुछ आपका है, ये सरकार भी आपकी है, बस हम लोगों को मिलके अगर ये काम करना है और ये काम कर लेते हैं तो ये छोटी मोटी चीजें सब हो जाएंगी। समय चाहिए भाइयों और समय के अंदर ये सब काम हम लोगों को करना है, इसलिए अगर तैयार हो तो ये मेरे को दोनों हाथ ऊपर करके बता दो कि हम तैयार है, यही सरकार हम बनाएंगे और बना के आगे एक ऐसा राजस्थान की कल्पना करेंगे जिस राजस्थान को देखने के लिए दूर से लोग आएंगे। तैयार हो तो नारा जोर से राजस्थान का, जय जय राजस्थान, जोर से जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी। और आप लोग सबको काम करें एक नया राजस्थान बनाने के लिए। साथ चलेंगे तभी काम होगा। आओ साथ चलें, आओ साथ।